हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग लॉग। तो आज है थर्सडे और निफ्टी की एक्सपायरी है। थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, तो करेंगे ट्रेस। आज तो व्यू न्यू न्यूट्रल है, कुछ अभी डायरेक्शन नहीं दिख रही ऊपर या फिर नीचे, तो न्यूट्रल रखेंगे और ट्रेड प्लेस करेंगे और ट्रेड के बाद आपको दिखा दें। तो गाइस अभी एंट्री ले लिए, टाइम हो रहा है 9:22 और स्ट्रैंगल की पोजीशन है देखो 19,750 का पुट और 19,900 का कॉल। कॉल हमें 12.88 में मिला है, 12.88 और पुट 9.53, तो डेल्टा न्यूट्रल है अभी और प्रॉफिट भी आ गया है। डीके मिला है थोड़ा बहुत, 13-14,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट देखो तो यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हुआ था और कल का जो हाई था उसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। इसके वजह से प्रीमियम बिहेवियर अच्छा है, अगर ब्रेक करते ऊपर की तरफ तो फिर से कॉल स्पाइक मारेगा और दिक्कत आ सकती है। एंड नीचे की तरफ अभी ये स्विंग है, तो नीचे की तरफ भी ये स्विंग है, इसके वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ भी सेफ है। ये रेंज में जब तक है ना मार्केट, तब तक कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद प्रीमियम स्पाइक मारने लगेंगे एंड कॉल तो बहुत ज़्यादा करेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो जैसे ये ब्रेक कर देना तो यहाँ पे फियर में आ जाएंगे। और जो वॉर की वजह से सेंटिमेंट है वो निगेटिव है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो जो जिन्होंने शॉर्ट किया है ना वो सारे लोग अभी डरेंगे जितना मार्केट ऊपर जाएगा। तो कॉल दिक्कत दे सकता है बट मैनेज करेंगे, अभी तो न्यूट्रल है और अच्छा खासा 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। टाइम हो रहा है 12 और निफ्टी देखो एक रेंज में ये कल के, बट जो सुबह ओपनिंग के बाद डे लो ब्रेक करने के बाद जो फॉल हुआ था इसमें पुट ने बहुत ज़्यादा स्पाइक दिया, एडजस्टमेंट नीचे की तरफ किए और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना के जो ये 3 बार आई ना उसमें कॉल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हुए। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो एडजस्टमेंट में जा रहा है और अभी करंटली सिर्फ 6,600 का प्रॉफिट रनिंग है। और अभी फिर से जब निफ्टी डे हाई के पास जाएगी अपने, तो कॉल रिएक्ट करने चालू हो जाएंगे। और प्रीमियम अगर देखो तो बहुत ही कम है, प्रीमियम में देखा तो आपको एट द मनी का प्रीमियम देखो 30 और 10, मतलब टोटल 40 पॉइंट्स प्रीमियम। नेक्स्ट कॉल देखो, अभी नेक्स्ट नहीं, ये एट द मनी का कॉल है 10, नेक्स्ट 3 और पुट नेक्स्ट जो OTM है वो 2, मतलब बहुत ही चीप प्रीमियम है। और ऑलरेडी यहाँ पे 150 पॉइंट के स्ट्रैंगल में आ चुके हैं जो कि बहुत ही क्लोज है। देखते हैं कैसे जाता है, प्रीमियम तो कम है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड उतना नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस होके ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है तो एक बार अभी पुट से रिस्क ऑन करेंगे और अगर नीचे आता है तो फिर से कॉल से रिस्क ऑन करेंगे। टाइम हो रहा है 2:07 और हमने देखो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली है, फुल क्वांटिटी हमने अभी ट्राई की है प्लेस करने के लिए, क्योंकि LTP देखो सेफ है 1.4-1.7 ऐसा है, तो सेफ अप्रोच है। और अगर ये जीरो होता है तो इसमें भी 30,000 और आने के चांसेस है, 33 वगैरह आ सकते हैं। करंटली MTM चल रहा है 31,000-30,000 का फ्लक्चुएशन है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये जीरो हो सकता है, मार्केट भी शांत लग रहा है, बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं है, शांत चल रहा है तो होने के चांसेस ज़्यादा है। पर अगर एडजस्टमेंट लगती है तो करेंगे डिस्काउंट करेंगे एक, अगर कॉल बढ़ता है तो पुट डिस्काउंट करेंगे, पुट बढ़ता है तो कॉल डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब नज़दीक लेके आएंगे। कॉल बढ़ने लगता है तो पुट ऊपर लेके आएंगे, अगर पुट बढ़ने लगता है तो कॉल नीचे लेके आएंगे। ऐसा हमारा अप्रोच है अभी। और आज कुछ डायरेक्शनल ट्रेड हमने नहीं किया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि मार्केट भी देखो थोड़ा साइडवेज ही है, ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं हुई है, तो कुछ इतना अच्छा प्राइस एक्शन भी नहीं दिखा, तो डायरेक्शन तो नहीं हुआ। और पृथ्वीराज ने भी ट्रेड डाला है, दिखाओ भाई पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का देखो स्ट्रैडल है सेल, 600 प्रॉफिट, 700 प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है इसमें भी डीके। और ऑलरेडी प्रीमियम देखो बहुत कम थे, कितना सेल है 13 और 8, तो इतने कम प्रीमियम में भी देखो अच्छा प्रॉफिट अभी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा अभी चल रहा है, बस एक मोमेंट हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर और रोहन काम कर रहा है क्या? ऑफिस का काम। ओके, और विनायक दिखाओ ट्रेड। ट्रेड क्या इतना अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हो बुरा हो दिखाओ तो। और ये है विनायक का ट्रेड, कॉल बाय किया था, अरे हिला मत, रुक रुक रुक, स्टेबल रुक। कॉल बाय किया निफ्टी में 392, मतलब ऑलमोस्ट 400 का प्रॉफिट है, देखो खुश लग रहा है। विनायक का एनालिसिस मैं एक्सप्लेन करता हूँ,
तो ये देखो, ये हमने सपोर्ट लाइन मार्क की थी, विनायक ने भी की थी, और ये जब फेक हो गया था ना, ये रेड कैंडल के बाद थोड़ा अलर्ट हो गया विनायक, और जब ये ऊपर जाने लगा तो ये स्ट्रांग ग्रीन कैंडल आ गई, पर इस टाइम नहीं किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद इसी येलो लाइन पे इसने बाय कर लिया और स्कैल्प किया, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट टॉप पे इसने एग्जिट कर लिया कॉल। तो छोटा ट्रेड था, बहुत छोटा टाइम के लिए था, बस एक दो कैंडल में इसका भी प्रॉफिट आ गया 1:2, 250 रुपीज़ का लॉस रखा था और 500 का प्रॉफिट था। तो 500 का प्रॉफिट आने तक थोड़ा बुकिंग कर रहा था, उस टाइम थोड़ा और 100 रुपीज़ का थोड़ा स्लिपेज हो गया, कोई बात नहीं, 400 प्रॉफिट हुआ है, अच्छा ट्रेड था, एनालिसिस भी अच्छा था। अभी टाइम हो रहा है 3:20, एक्सपायरी हो चुके हैं इंट्राडे, और यहाँ पे प्रॉफिट देखो 53,000 का प्रॉफिट आज भी बुक किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है ऐसे मार्केट में, बिकॉज प्रीमियम बहुत कम थे सुबह से, और जो ये जो एक कैंडल है उसके बाद ये बड़ी वाली कैंडल, तो सुबह सुबह ऐसे दो कैंडल ने जो भी गेन आ रहा था वो जा रहा था, उसके बाद ये साइडवेज हुआ, बट सडनली एंड में भी ऐसे दो कैंडल आए बड़े, तो मैनेज किया सिर्फ इस पोजीशन में, हम थोड़े से दूर थे, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया एंड में, बिकॉज प्रीमियम कम थे तो लगा ही था अगर मूवमेंट आती है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है, तो सेफ अप्रोच से ट्रेड किया है, रिस्क ऑफ किया एक बार प्रॉफिट अच्छा आने के बाद, एंड देन सेफली आउट ऑफ द मनी को भी पूरा ज़ीरो कर दिया, तो इसके वजह से 55,000 यहाँ पे प्रॉफिट आज बुक हो जाएगा। और पृथ्वीराज का आज छोटा सा लॉस है, बस कितना 300 रुपये का, 300 रुपीज़, ये भी अभी 250 तक आ जाएगा आराम से, तो बहुत ही छोटा लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दोपहर के बाद करता है ट्रेड और कम क्वांटिटी रहती है, तो स्ट्रैडल डाला था और स्ट्रैडल में मूवमेंट आने की वजह से यहाँ पे ऐसे लेट हुआ एंड देन प्रॉफिट वहाँ पे नहीं है, तो ठीक ठाक थी एक्सपायरी। अभी कल सीधा मिलते हैं फ्राइडे बैंक निफ्टी सॉरी सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, तो हो गए आज भी एक्सपायरी प्रॉफिट में क्लोज, और ये मंथ अच्छा खासा जा रहा है अभी तक, तो देखते हैं अभी आने वाले 15 दिन कैसे जाते हैं, अभी तक तो अच्छा है और प्रीमियम कम है, बट मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, बस बीच बीच में थोड़े से फ्रीक मूवमेंट आ रहे हैं, उसको अगर मैनेज कर पाते हो तो एंड में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और गाइज आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो बस, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, शेयर करने से हमारा चैनल और ग्रो होगा, हम आपके साथ एक साथ हम और आगे ग्रो करेंगे एंड अच्छे अच्छे वीडियोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।